हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक पर बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने लिया है, अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा, और जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर की जो एग्जाम्स हैं उनमें हमें यहाँ से एक क्वेश्चन हमको मिल सकता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं कराने जा रहा हूँ। एक से दो क्वेश्चन हमारे यहाँ से आने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम में, राइट। क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, राइट। फाइंड द कंडीशन दैट अ लाइन एल अपॉन आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा मे बी अ टेंजेंट टू द कोनिक एल अपॉन आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा, राइट। तो ये जो होता है हमारा, ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये हमारा पोलर फॉर्म में एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। किसको? लाइन को, राइट। ये हमें याद रखना होगा कि ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है ये हमारा पोलर फॉर्म में है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें शो करना है कि ये हमें कंडीशन फाइंड करनी है, जब ये जो लाइन होगी पोलर फॉर्म में वो इस पोलर फॉर्म में हमें कोनिक का इक्वेशन हमें गिवन है एल अपॉन आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा, वेयर एल क्या है हमारा, एल हमारा है सेमी लैटिस रेक्टम, ई क्या है एसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक, एसेंट्रिसिटी। अब ये हमारा पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, क्या होगा, एलिप्स होगा, ये हमको नहीं मालूम। जनरल हम निकालने वाले हैं कि ये इक्वेशन कब इसको टच करेगी। अब मैं पहले आपको मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए हमारा ये है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है इस कोनिक के लिए, तो हम पोलर फॉर्म में किसी भी कोनिक के लिए हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस प्रकार हम फाइंड करते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए हमारा जो कोनिक है वो ये है, ये पोलर फॉर्म में है। अभी एक वीडियो बना देंगे जिस पर हमें बेसिक हमें समझाना होगा इसका कि किस प्रकार हम निकालते हैं कोनिक का इक्वेशन और ये हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं लाइन को इन पोलर फॉर्म में, राइट। एल अपॉन आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा, राइट। तो इसके लिए जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये हमारा फॉर्मूला है टू द कोनिक वन एट आर वन कॉमा थीटा वन, यहां पर अल्फा लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा होगा एल अपॉन आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा, हमारा सेम आएगा ई कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा वन, राइट। थीटा माइनस थीटा वन, ये हमारा होता है क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कोनिक वन एट पॉइंट आर वन कॉमा थीटा वन पर, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसके लिए फाइंड करने वाले हैं एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आप थीटा वन पर निकाल लीजिए या फिर अल्फा पर निकाल लीजिए, किसी भी पॉइंट पर आप निकाल सकते हैं। हमने यहाँ थीटा माना है, अगर आप इसे चाहें तो आर वन कॉमा थीटा वन, आर वन कॉमा अल्फा आप मान सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन हम इसका सीखेंगे। हम निकालने वाले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कोनिक है हमारा, लाइन हमको गिवन है पोलर फॉर्म में, एल अपॉन आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस वी साइन थीटा, राइट। अब समझना थोड़ा सा, ये हमें ऑलरेडी गिवन है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये क्या है टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंट है ये हमें गिवन है और अब हम निकालने जा रहे हैं इस फॉर्मूले का यूज करके, राइट। लेकिन हम जो टेंजेंट निकालेंगे वो थीटा वन पर निकालेंगे, यहाँ पर एक काम करते हैं, अल्फा मान लीजिए इसको, थीटा वन ना मान के अल्फा हमें क्लियरली दिखेगा, ये पर थीटा वन से भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्फा थीटा वन में निकाल देते हैं। चलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और कोनिक है हमारा, एल अपॉन आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा, देयरफॉर इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जनरल पॉइंट हम मानने टू द कोनिक टू एट आर वन कॉमा थीटा वन, राइट। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा यहाँ से, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज एल अपॉन आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा आएगा पहले, ई कॉस थीटा और प्लस में हमको मिलेगा कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा वन, राइट। यहाँ पर हम इसका हम फॉर्मूला खोल लेंगे, तो हम इस फॉर्म में लिख लेंगे इक्वेशन को, इस फॉर्म में भाई ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा फॉर्म में हम इसे लिख लेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा एल अपॉन आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस
कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन थीटा इंटू साइन थीटा वन, राइट। इसको हम रब कर देंगे। देखिए अब आपको करना क्या हुआ, हम इसको सेम इसका फॉर्म हम बनाने जा रहे हैं, इक्वेशन वन की तरह हम फॉर्म हम बनाने जा रहे हैं। तो ये हमें मिल जाएगा एल अपॉन आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हमको मिल जाएगा ई प्लस कॉस ऑफ थीटा वन, यहाँ हमको मिल जाएगा कॉस थीटा, राइट भाई। हमने यहाँ से कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो हमको मिल जाएगा ई प्लस कॉस थीटा वन, और ये हमको मिल जाएगा प्लस साइन थीटा वन इंटू साइन थीटा, राइट। ये हमारा इक्वेशन नंबर थ्री। अब हम क्या करने वाले हैं कि हमारा इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री दोनों ही हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है इस कोने के लिए। ये हमको गिवन थी, ये हमने फाइंड कर ली। अब ये गिवन थी, ये हमने फाइंड किया, इसका मीनिंग क्या है, इनके जो करस्पॉन्डिंग जो हमारे कॉफिशियंट होंगे, जैसे कॉन्स्टेंट टर्म, इसको आप कॉन्स्टेंट मान के इसको कुछ भी मान लीजिए, आप कॉस थीटा कॉफिशियंट का कॉस थीटा से कंपेयरिंग करेंगे, साइन थीटा करेंगे साइन थीटा से, तो इनके जो कॉफिशियंट का जो रेशियो होगा वो इक्वल आएगा। मीन्स एल अपॉन आर का कॉफिशियंट कितना है वन, और यहाँ पर एल अपॉन आर कितना है वन इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा कॉस थीटा का कॉफिशियंट कितना है ई कॉस थीटा वन, ई प्लस कॉस थीटा वन, और यहाँ कितना है ए, राइट ए हमको मिल जाए। यहाँ पर साइन थीटा का कॉफिशियंट कितना है साइन थीटा वन, और यहाँ पर हमारा है प्लस का बी, प्लस का बी। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड की हेल्प से, जब हम फर्स्ट और सेकंड को लेंगे तो हमें ए का वैल्यू हमको मिल जाएगा ए इज इक्वल टू ई प्लस कॉस थीटा वन, और जब आप फर्स्ट और थर्ड को लेंगे तो आपको मिल जाएगा वी इज इक्वल टू साइन थीटा वन। एक छोटा सा रिजल्ट हो रहा है, छोटा सा बस हमारा प्रूफ हमारा आने वाला है। देखिए हम ई को डाल लेंगे, ए माइनस ई इज इक्वल टू कॉस थीटा वन, इसको डाल दीजिए ए इक्वेशन, और वी इज इक्वल टू साइन थीटा वन, इसको डाल दीजिए वी। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, जब हम स्क्वेयर करेंगे और ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा ए माइनस ई का स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर थीटा वन प्लस साइन स्क्वेयर थीटा वन, और ये हमारा हो जाएगा वन, और यही है हमारा फाइनल आंसर। इस प्रकार हमें शो करना पड़ेगा, ये हमें कंडीशन हमें फाइंड करनी थी, किस कंडीशन के लिए, फॉर फाइंड द कंडीशन दैट अलाइन दिस मे बी अ टेंजेंट टू द कोनिक दिस, इस कोनिक के लिए हमारा टेंजेंट होगा। एक क्वेश्चन और है हमारा, सेम टू सेम है इसी प्रकार, उस क्वेश्चन को और मैं सोच रहा हूँ करा दूँ, अच्छा क्वेश्चन है वो हमारा, राइट। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो सेम इसी प्रकार का है, लेकिन हमारा जो कोनिक है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कोनिक हमारा चेंज हो जाएगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपको सेमेस्टर एग्जाम जो आपके होने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम्स, उनमें आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके थैंक यू।